अ वेरी वॉम गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ दीपक कुमार तिवारी, वेलकम टू एमएस कैंपस। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग 20 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और हालांकि ये लेट है, बट मैं कुछ दिनों से बिजी था, बट ये वीडियो अब लगातार आएंगी, तो डोंट वरी, ये लगभग 2 से 3 दिन में मैं सारा वीडियो को रिकवर कर दूंगा और अप टू डेट हो जाऊंगा। तो इस सेशन को एंजॉय करते हैं। अगर आप लोग इसमें से नए हैं, जो भी देख रहे हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द जल्द पहुँच जाए और ऑन रेगुलर बेसिस ये करेंट अफेयर्स आप लोग देखें। कुछ कहीं नोट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो को ध्यान से देखें, 1 से 2 बार रिवीजन करें, बाकी सारा चीज़ मेमोराइज हो जाएगा, क्योंकि मैं एक दूसरे से लिंक करा के मैं ये सेशन कराता हूँ। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द बहरीन ग्रैंड पिक्स 2020 में जो ग्रैंड पिक्स हुआ था बहरीन का, तो वो कौन जीता? तो वो लेविस हैमिल्टन ने जीता। और ये कहाँ से थे? ये थे ग्रेट ब्रिटेन से थे। आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि जो ये ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन का कैपिटल और करेंसी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। विराट कोहली अभी अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 22,000 रन सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं, तो इनका रिकॉर्ड कितना रन से हुआ है? तो 462 मैच ये खेले हैं और 22,000 रन बनाए हैं। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, 462 मैच खेले हैं और 22,000 रन बनाए हैं और सबसे क्विटेस्ट बैट्समैन हो गए हैं। और थर्ड कौन आया है? इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड कौन आया है, तो थर्ड आया है आपका ब्रेव लारा। ये कितना मैच खेले हैं? 511 मैच खेले हैं। तो ये आपको याद रखना है। और विराट कोहली जी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, विराट कोहली जी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। ये आपको याद रखना है। और यहाँ से एक क्रिकेट से रिलेटेड आ गया, आईसीसी। तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है आपका दुबई यूएई में। और इसकी जो चेयरपर्सन आईसीसी के ग्रे बार्कले, और जो सीईओ हैं मनु साहनी जी हैं। तो ये सारा स्टैटिक पार्ट आप लोग नोट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भाग्यनगर अभी ये रिसेंटली एक स्टेट को नाम मिला है, तो ये कौन सा स्टेट का नाम चेंज किया जाएगा? तो हैदराबाद। ये हैदराबाद का नाम चेंज करके भाग्यनगर किया जाएगा। तो हैदराबाद से हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो जो हैदराबाद का कैपिटल है आपका, ये हैदराबाद कैपिटल है आपका तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद है। और यहाँ के गवर्नर है तमिलसाई सुंदरराजन यहाँ के गवर्नर हैं। और सीएम है यहाँ के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं। और उसके बाद यहाँ कुछ तेलंगाना के बारे में जान लेते हैं। नेशनल पार्क यहाँ पर है महावीर हरिणा वानस्थाली मरुगवानी नेशनल पार्क। और क्या था एक, यस, कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। मैं नेशनल पार्क एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि नेशनल पार्क था एक महावीर हरिणा वानस्थाली एंड मृगवानी नेशनल पार्क, और एक था कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पापा बोबा ड्यूप ये अभी इनका देहांत हो गया है, तो ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? तो सेनेगल से बिलोंग करते थे। तो सेनेगल के बारे में हम लोग को जान लेते हैं। तो ये कौन थे? तो ये बेस्ट फुटबॉलर थे। और ये सेनेगल का जो कैपिटल होता है वो आपका होता है डाकर। यहाँ का कैपिटल है और करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है यहाँ का। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सेनेगल के जो प्रेसिडेंट हैं वो है मैकी सेल यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ये आपको याद रखना है। और फुटबॉल, ये एक फुटबॉलर थे
पापा बाओबा डियोप, ये एक फुटबॉलर थे। तो फीफा के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि फीफा का फुल फॉर्म क्या है, और फीफा के बारे में जान लेते हैं। तो फीफा के जो चेयरमैन हैं वह हैं गियानी इन्फेंटिनो। और जो 2022 का 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होगा, कतर में, वो होगा आपका कतर में। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, बार बार वीडियो को रिविज़न करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कौन सा स्टेट हैज़ बीन एडजस्ट द बेस्ट ऑर्गेन डोनेशन इन द कंट्री फॉर 6th कंसेक्यूटिव ईयर। किस राज्य को लगातार छठे वर्ष देश में अंगदान में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया, तो वह है तमिलनाडु। वो क्या है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु के जो कैपिटल है वो है चेन्नई, कैपिटल है चेन्नई आपका, और यहाँ के सीएम है इडी पड्डिकी के पल्लना स्वामी, और यहाँ के गवर्नर हैं आपके बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, ये आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो एग्ज़ाम में, अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बहुत सारे नेशनल पार्क पूछे जा रहे हैं। तो नेशनल पार्क यहाँ का है गिंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क, मुडुमलाई नेशनल पार्क, उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, अन्नामलाई, फिर से पलाना हिल्स नेशनल पार्क एंड मरीन नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से कुछ हम लोग जान सकते हैं कि जो ये ऑर्गेन डोनेशन जो होता है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है NOTO। ओके, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, NOTTO। तो इसका फुल फॉर्म होता है, आप लोग लिख लो, नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये किसके अंदर आता है, ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और अभी इसके मिनिस्टर कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन इसके मिनिस्टर है। और डॉक्टर हर्षवर्धन कहाँ से अभी है, तो चांदनी चौक दिल्ली से, कंस्टिट्यूएंसी इनका है। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, कौन सा एयरलाइन हैज़ लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड फ्रेटर सर्विसेज टू लेह इन लद्दाख। लद्दाख के लेह में कौन सा, अभी जो भी सामान पहुंचाते हैं जो फ्रेटर सर्विसेज हैं, तो कौन सा एयरलाइन ही बना है, तो स्पाइसजेट जो एयरलाइन है वो खाना वगैरह या जो भी सामान है वो पहुंचाएगा, मालवाहक जिसको बोलते हैं फ्रेटर, माल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना। तो ये दिल्ली से आपका लेह तक सामान को ले जाएगा फॉर डिफेंस पर्पस एंड वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए। तो यहाँ का स्पाइस जेट के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं, क्योंकि जानना है, एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो स्पाइस जेट के जो, ये 2004 में बना था पहले तो, और इसका हेडक्वार्टर आपका है गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, और ये 2004 में बना था। और इसके जो अभी MD एंड चेयरमैन हैं वो हैं अजय सिंह, अभी ये चेयरमैन है यहाँ के। और इसके बारे में हम लोग कुछ और जान लेते हैं कि जो कैपेसिटी रहेगी, माल तो ज़्यादा जाएगा नहीं ना प्लेन में, तो इसका जो कैपेसिटी तय किया गया है वो 13 टन किया गया है, 13 टन से ज़्यादा माल जाएगी नहीं, तो 13 टन माल जाएगी। और ये लाइक ना कार्बो आर्म, जो भी आर्म्स रहते हैं, जो भी हथियार रहते हैं वो जाएंगे। और ये क्या बोलते हैं, यस, ये लाइक कैरी क्या क्या कर सकता है, ये फार्मास्यूटिकल जैसे मेडिसिन वगैरह करेगा, उसके बाद जो फ्रेश फ्रूट रहता है फल वगैरह वो करेगा, पेरिसेबल गुड्स करेगा, मेडिकल इक्विपमेंट करेगा एट्सेट्रा, ये सब चीज़ करेगा। और इसके अलावा एक फ्रेटर बोइंग, एक और नाम आप लोग लिख लो, फ्रेटर बोइंग 737, ये भी सेम ऐसा ही काम पहले करता था। उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में,
Which among the following has launched the securities market trainer, that is SMARTS program. तो ये अभी किसने लॉन्च किया है? तो SEBI ने लॉन्च किया है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो इसके बारे में हम लोग को जान लेते हैं. तो सेबी का जो गठन हुआ था वो 1988 में हुआ था, बट इसको पावर मिला था, एफिशियरी पावर इसको मिला था 1992 में. तो ये आपको याद रखना है. और सेबी का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और अभी इसके चेयरपर्सन है अजय त्यागी जी इसके चेयरपर्सन हैं. तो ये आपको नहीं भूलना है. उसके बाद सेबी क्या करती है? तो सेबी हम लोग को नॉलेज प्रोवाइड करती है इन्वेस्टर्स अबाउट हाउ टू इन्वेस्ट, कैसे इन्वेस्ट करना है वो गाइड देती है हम लोग को. उसके अलावा यहाँ पर आप लोग एक चीज़ याद रख सकते हैं कि अभी हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक मनाया गया था. तो उसका थीम क्या था? टू अवेयर अबाउट प्रोटेक्शन इन्वेस्टर एट्सेट्रा, ऐसे ही कुछ था. यस, टू अवेयर अबाउट प्रोटेक्शन इन्वेस्टर एट्सेट्रा. उसके बाद आप लोग एक चीज़ और यहाँ पर याद रख सकते हैं, दैट इज़ IOSC इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन. तो ये आपको याद रखना है क्योंकि ये सिक्योरिटी से और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है. तो इसका जो हेडक्वार्टर है मैड्रिड में इसका हेडक्वार्टर है. और इसके डीजी जो हैं ये हैं पॉल एंड्रोस. अगेन मैं बताता हूँ, IOSC इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन इसके हेडक्वार्टर मैड्रिड जो कि स्पेन में है. और इसके डीजी हैं पॉल एंड्रयूज़. तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग. द फर्स्ट एडिशन ऑफ हेल्थ केयर फ्यूचर समिट. ये जो हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का ये जो फर्स्ट एडिशन था ये वर्चुअली हुआ 6 से 8 दिसंबर के बीच. तो ये कौन सा सिटी में हुआ? तो ये हुआ दुबई में. और दुबई कहाँ है आपके? UAE में है. तो इसके बारे में आप लोग मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि UAE का करेंसी क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग. हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन, दैट इज़ OIC. OIC के नए सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं? तो वो बने हैं हैशिन ब्राह्मिन ताहा. ये जी बने हैं. तो OIC का जो सेकेंड, एक्चुअली इसका OIC का आप लोग पहले हेडक्वार्टर जानो. तो OIC का हेडक्वार्टर है आपका जिद्दा में, जो कि आपका कहाँ पर है? सऊदी अरबिया में. हेडक्वार्टर जिद्दा है जो कि सऊदी अरबिया में है. और ये सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंट है. सेकेंड जो OIC है ये आपका सेकेंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ UN का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये. उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, दैट इज PM मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अभी चेयर किए थे प्रगति मीटिंग जो अभी हुआ था उसका चेयर किए थे, उसके बैठक में शामिल हुए थे. तो ये कितनावा वर्सन था? तो ये 33rd वर्सन था. तो इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं. तो एक ऐसा ही सेम प्रगति के पहले आप लोग फुल फॉर्म जानो. प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये आपका है. अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ प्रगति का फुल फॉर्म, प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन. और ये क्या करता है? ये कवर करेगा लगभग ये 5-6 स्टेट के बारे में कवर करेगा कि कैसे गवर्नेंस को एक वेल डिसिप्लिन के तहत कैसे इम्प्रूव करना है उनके वर्क को, उनके काम को. तो ये कवर करेगा उड़ीसा को, महाराष्ट्र को, कर्नाटका को, UP को एंड J&K को. और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर एक बात जान लो, प्रोजेक्ट कॉस्ट एक सेम ऐसा ही था जो कि लगभग इसका
जो कॉस्ट है, जो बजट है प्रगति के अंदर, उसका कॉस्ट है 1.41 लाख करोड़। इतना बजट है, लाख करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा इसको इम्प्रूव करने के लिए। तो ये हमारा सेशन था 10 क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ सेशन पहले जैसे ही मज़ा आता हो और इससे भी बेहतर आगे वाला सेशन आप लोग मज़े में देखें और एक से दो बार आप लोग रिवीजन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में पूरे जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।